का, एलजी का, स्प्लिट एसी का इंडोर यूनिट इंस्टॉल करने वाला है। उसका बेस प्लेट ये है, बेस प्लेट इस टाइप से है। हम लोग वॉल माउंटिंग करेंगे। वॉल माउंटिंग करने से पहले इसके अंदर 10 स्क्रू 13 स्क्रू आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये स्क्रू आएंगे। हम लोग ये बेस प्लेट निकाल के सबसे पहले वॉल पे माउंट करेंगे। वॉल पे हम लोग उस टाइप माउंट करेंगे, पेंसिल से पहले मार्क करेंगे, ड्रिल मशीन से फिर ड्रिल करेंगे, का मेजरमेंट लेंगे। बेस प्लेट को वॉल पे माउंट करके 0 स्पीड लेवल पे हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जो बेस प्लेट है लेवल में है कि नहीं। उसके बाद इस पेंसिल से हम लोग मार्किंग करेंगे। पेंसिल से मार्किंग करने के बाद, पेंसिल से मार्क करने के बाद हम लोग उसके उससे बेस प्लेट से 3 से 5 इंच की डिस्टेंस पे एक होल मारेंगे। इसलिए क्योंकि कॉपर पाइप और आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट के कनेक्शन के लिए। मार्किंग हो चुका है, अब हम लोग ड्रिल करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने बेस प्लेट का मेजरमेंट लिया। बेस प्लेट का मेजरमेंट लेने के बाद उसका हम लोगों ने मार्किंग किया। मार्किंग करने के बाद हम लोगों का थर्ड स्टेप आता रहेगा और ड्रिल किया। उसको ड्रिल करने के बाद स्क्रू फिक्सर हम लोग होल में डालेंगे। ये हम लोगों का चौथा चौथा स्टेप है। हम लोगों ने चौथा स्टेप जो फिशर था, फिशर हम लोगों ने लगा दिया स्क्रू फिशर। अब हम लोग स्क्रू फिशर के साथ बेस प्लेट लगा के स्क्रू फिशर से स्क्रू फिक्स करेंगे। बंद कर। अब बेस प्लेट लगा के 13 स्क्रू फिक्स करके हम लोग उसे चेक कर रहे हैं। हम लोग उसके बाद हम लोग स्पिरिट लेवल से चेक करेंगे। स्पिरिट लेवल से लेवल चेक करने के बाद वो लेवल में रहेगा तो फिर हम लोग टाइट कर देंगे। लोगों ने स्पिरिट लेवल से चेक किया, ये हम लोगों का इस बेस प्लेट लेवल में। अब लेवल में होने के बाद अब हम लोग उसको फिक्स कर रहे हैं, यूनिट के लिए होल कर रहे हैं। इंस्टॉल कर रहे हैं एलजी का इंडोर यूनिट और बेच ले। रिमोट होल्डर के साथ